I don't know, matching. We thought we do matching today. Yeah. Yes. No, but you're looking beautiful. Hello, not more than you. Mashallah say. What's your height, Elnaaz? 5'8" and a half. Without heels. Heels then she's around about 7 feet. Oh God. आपने कभी ये नहीं कहा कि जूते उतारो नो फ्लैट जूते पहन के मैं थोड़ा सा उधर पहले फोकस कर लो आपकी हीरोइन प्लीज प्लीज अगर आपकी इजाजत जी जी प्लीज अच्छा थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि कहाँ से सफर शुरू हुआ कैसे आप अदील से मिली कैसे मान जाओ ना मैं इस इन्होंने आपको मनाया फिल्म में काम करने एक्चुअली मैं तो ईरान से हूँ अच्छा और मेरी पढ़ाई जर्मनी में हुआ है ओके और वहाँ से मैं आई जस्ट मूव टू इंडिया बिकॉज इट वॉज माई ड्रीम टू वर्क इन इंडियन फिल्म ठीक है और देन आई मेट अदील इन बॉम्बे वेरी ब्रीफली और वहाँ से एक दो साल के बाद जब ये मान जाओ ना स्क्रिप्ट आया था आपके पास उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि ये फिल्म है और आप ऑडिशन कर लो ठीक है ऑडिशन फॉर इट एंड आफ्टर एक हफ्ते के बाद शायद मेरे पास एक कॉल आया कि दे वांट टू साइन यू और आप आ जाएं पाकिस्तान मैं बिल्कुल ऐसे यार पाकिस्तान जाना है ये क्या हो रहा है मैं कभी गई नहीं और बट जब मैं आई और दीज पीपल जस्ट मेड मी फील लाइक आई एम होम सीरियसली इवन दो इट्स अ कंट्री आई हैव नेवर बीन टू या सो इट्स बीन ग्रेट सही सो इतना छोटा सा सफर है इतनी जल्दी जल्दी सारा कुछ हो गया छोटा सा नहीं है लेकिन आई मेड इट स्मॉल छोटा करके बता अरे क्यों स्टॉप था इंडियन फिल्म्स में काम करने का पता नहीं गुड क्वेश्चन लेकिन मुझे खुद पता नहीं है मैं देख रही थी फिल्में सो एक्चुअली आई थिंक बिकॉज़ शी इज फ्रॉम जर्मनी एंड इवन जब मैं भी पोलैंड में शूट कर रहा था ये लोग बहुत बॉलीवुड फिल्म देखते हैं हम लोग भी देखते हैं और वहाँ पे जो सबसे फेमस फिल्म थी मुझे उन्होंने कहा कि एक बॉलीवुड फिल्म में समटाइम्स हैप्पीनेस समटाइम्स रेन मैंने कहा ये कौन सी फिल्म है समटाइम्स हैप्पीनेस या देन दे वर लाइक कभी खुशी कभी गम दे शोड मी ऑन द पोस्टर ठीक है सो आई थिंक वहां पर बहुत ज्यादा समटाइम्स हैप्पीनेस समटाइम्स रेन हां उसको ट्रांसलेट करके उसको समझा रहे थे ना अभी हाँ. को ओके सही जी हां दैट्स वेरी फेमस इन जर्मनी आल्सो अरे अदील इसका मतलब है कुछ खास मनाना नहीं पड़ा आपको अपनी हीरोइन को एक्चुअली जब अच्छा इस फिल्म में पहले कुछ पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे लेकिन देन ड्यू टू डेट्स के इश्यूज की वजह से यू नो सो कम्प्लीटली हम लोग शूट से एक दिन पहले हमारे पास हीरोइन ही नहीं थी देन आई कॉल्ड हर अप देन शी ऑब्वियसली शी ऑडिशन विद अदर आर्टिस्ट आल्सो बट शी केम आउट लाइक ब्रिलियंट इन द ऑडिशन एंड बट आई थिंक एक दफ़ा हाँ करने के बाद मैडम जो है वो घबरा गई थी क्योंकि इनके कुछ जो बॉम्बे में भी जो इनके फैंस हैं फ्रेंड्स हैं उन्होंने इनको काफी डराया कि नहीं नहीं डोंट गो टू पाकिस्तान तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा दहशतगर्द बसते हैं कहा उन्होंने इस तरह से एंड शायद वहां पे तुम्हें ऊंट के ऊपर बैठना पड़े देयर आर नो कार्स एंड ऑल दैट एक्चुअली लिटरली व्हेन आई वाज इन बॉम्बे इस दफा तो नहीं इन 2009 और 2010 अ पर्सन आस्क्ड मी दैट डू यू गाइस हैव अ फोटो स्टेट मशीन कैन यू बिलीव दैट व्हाट अ ज़ेरॉक्स यू नो यू गाइस कॉल इट ज़ेरॉक्स देयर तो खैर शी बैकड आउट के नहीं वो डेट्स का फिर इसको मैंने कहा कि यार तुम दोनों फिल्म करो वहाँ पे भी करो एंड इट्स अ वेरी गुड मार्केट हमारी फिल्म इंडस्ट्री बढ़ रही है और हमारे पास टू बी ऑनेस्ट अभी इतने ज़्यादा आर्टिस्ट फिल्म के लोग हैं ही नहीं हीरोइंस हैं ही नहीं सो या वी आर ग्लैड दैट शी इज हियर एंड शी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब अच्छा मान गई लेकिन बड़ा बड़ा आपने हौसला किया उसका बिकॉज लिसनिंग टू सो मेनी पीपल टेलिंग यू कि यार ये गलत डिसीजन है आप बुरा कर रहे हैं मेरे पास सिर्फ दो तीन दिन थे डिसीजन लेने के लिए फिर हमने जबरदस्ती और इन्होंने क्या मान जाओ ना का वो जो तरीका रात को 11 बजे फोन करके मुझे एक घंटे हम बात की थी ना एक घंटा हाँ ये आपको मनाते रहे हाँ ओ अजी नो आई वांटेड दिस फिल्म टू लुक गुड एंड आई न्यू दैट शी वुड रियली fit into the character and you know we'll make a great on screen couple yeah so you know isliye mujhe 1 ghanta lagana pada aur aapko pata hai ki bombay ki call kitni mehngi hai lekin isse hame ye bhi pata chala ki persuasion skills mein hai wo bhi adil ke bade kamaal hai consistent mein banana chahiye kisi ko kisi cheez pe to bana lete hain ha bana mai leta hu right hero for this film really yeah acha what is this film about aap bataye kya hai hoga is film mein jo maine suna hai
वो तो बड़ा खतरनाक था, वो तो कुछ अदील की टाइप की चीजें. क्या? शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं होनी चाहिए. मुझे नहीं बता. अच्छा, मैं तो एक्चुअली आई एम प्रो मैरिज. रियली? यू आर? या. मैंने तो आपसे जितनी दफा सवाल किए, जितनी दफा इंटरव्यूज किए, यू आर ऑलवेज इस फिल्म ने मुझे चेंज कर दिया. सो नाउ यू आर प्रो मैरिज. सो हम ये समझे कि अब इस फिल्म के बाद आप मान गए हैं शादी के लिए. देखें, अगर मान गए तो क्यों नहीं करेंगे. अच्छा, लेकिन फिल्म के बारे में मैं जानना चाहूंगी. ब्रेक ले लो, ब्रेक लेने. सो ब्रेक के बाद हमारे यहाँ वापस हमारी बहुत खूबसूरत सी कास्ट और भी बहुत लोग आपसे मिलने वाले हैं. और से बैठ के हम बातें नहीं करेंगे, कुछ हम आपको भी मनाएंगे आज कुछ चीजों को, कुछ कामों को करने को. सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और फिर मिलते हैं. मान जाओ ना कि कास्ट से आज आप मिल रहे हैं और हमने लड़कों की आंखों पे इश्क की पट्टी बांध दी है. सो दे कांट सी एक्चुअली. और उनके सामने एक विश लिस्ट है. दोनों हीरोइंस जो हैं वो यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं. एक्चुअली अलनाज इज हीरोइन और मेरा ख्याल है कि हाजरा आप सेकंड उस पे हो, लीड पे. नो, ओके. बट अच्छा, जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है अयाज है. हाय अयाज, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक. अच्छा, अब आप लोगों ने करना ही है. आगे आ जाइए, तीन स्टेप आगे आए. वन, यार अयाज आप मेरे अंदर आ रहे हैं, आप मेरे अंदर आ रहे हैं भाई. अच्छा, अब करना ये है कि आपने अपने पार्टनर्स को गाइड करना है, लड़कियों ने, क्योंकि लड़कियां हमेशा ज्यादा देख सकती है चीजों को. हाँ, और लड़कों की आंखों पे हमेशा पट्टी बंदी होती है किसी न किसी चीज की. सो आपने इन्हें गाइड करना है कि इस विश लिस्ट में से ये क्या बेहतरीन चीज चूज कर सकते हैं. ये आपकी गाइडेंस पे आपके पार्टनर ने पिक करनी है. देन विल सी कि किस कपल ने कौन सी ज्यादा बेहतर चीजें पिक की हैं, चूज की हैं अपने लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जी मैं क्या करूंगी सुबह. मैंने तो रोजाना सुबह आना था. मेरी तो किसी साल के बाद फिल्म भी नहीं आनी कि मैं कहूँगी बढ़ जाएंगी. अच्छा जी, क्या क्या कुछ पिक किया है हाजरा ने और अयाज ने? हाजरा और अयाज, एक घर. वाह वाह, एक खूबसूरत सा घर. जी फरारी, ढेर सारा नोटू कमाने वाले हैं. जस्ट गॉट मैरिड. खुद दे दी. अयाज जी क्या कह रही हैं? हाजरा, यू गॉट मैरिड, कांग्रेचुलेशन. कल हम लोग जब फ्लाइट पे थे तो लिटरली यू नो बिकॉज ही गॉट मैरिड ही वाज क्राइंग एट द एयरपोर्ट. पहली दफा बेगम से दूर जा रहा था. नहीं बच कर यार, सीरियसली इट वाज वेरी क्यूट. ही वाज क्राइंग, मतलब इमोशनल हो गया. झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं. सोच अच्छा, अच्छा अदील झूठ भी इतने पक्के मुंह से बोलते हैं कि एक लंबे लंबे बंदे को सोचना पड़ता है कि झूठ ही तो पक्के मुंह से बोलते हैं. आई थिंक वी कैन ऑल सही. सर बताएंगे, सर कभी झूठ बोलते हैं. हाजरा ने ये बेबी का तो मेरा ख्याल है हाजरा ने पिक किया होगा अयाज के लिए, है ना? यहाँ पे क्या पिक किया अल्लाज ने? क्या क्या वाह वाह, ये रिंग किसकी किसकी वो है, किसकी जिंदगी में आने वाली है? यू रानिया? ओके, सो ये रानिया के लिए रिंग है. जो ये तो वैसे रॉक स्टार है, वो तो है बहुत जबरदस्त किस्म के रॉक स्टार टर्न एक्टर या एक्टर टर्न रॉक स्टार. रॉक स्टार टर्न एक्टर, ब्यूटीफुल. शादी किसकी? जरूर करवा दे प्लीज. किसकी? अदील की करवा दे. अदील सुनो, अमान जाओ ना,
हाँ मैं ठीक है अदिल मान जाओ ना ठीक है ठीक है अदिल ये क्या है प्लास्टिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी अच्छा होने वाली है इस साल करवा रहा हूँ प्लास्टिक जमा कर दिया इसने थोड़ा ये मेरे डायरेक्टर कह रहे थोड़ी सी अपनी जॉ लाइन थोड़ी सी एनहांस कर लो एनहांस करो झूठा भी इन्होंने कहा डिंपल भी बनवाओ डिंपल भी बनवाओ अभी मैं लेके ड्रिलिंग वाली डिंपल बनवा ले नाम भी प्रीटी सिंटा रख लो।